नमस्कार, मैं आदित्य और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। परिवार चलाने के लिए स्कूल छोड़ जुराबे बेचने वाले वंश को देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री। पढ़ाई का खर्च उठाएगी पंजाब सरकार, परिवार की सहायता के लिए ऐलान। जलंधर में ट्रेवल एजेंट की कारतूस, यूक्रेन भेजने के बहाने ठगी। पुलिस के पास शिकायत गई तो एक साल पहले की तारीख डालकर पकड़ा दिए 1.5 लाख के चेक। मोगा में 52,000 आयुष्मान कार्डधारी, पर 3 माह में योजना के अधीन कोरोना मरीज का नहीं हुआ इलाज। कोरोना के बढ़ते मामले और स्वास्थ्य सुविधाओं पर दिए निर्देश, हाईकोर्ट ने कहा कोविड मरीजों के लिए चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा मिलकर बनाए रणनीति। फायरिंग की 2 FIR की जांच करेगी SIT। कोटकपुरा फायरिंग मामले में 3 मेंबरी नई SIT गठित, 6 माह में पूरी होगी जांच। सीरम से पहले चरण में आज मिलेगी 1 लाख डोज। पंजाब में सोमवार से शुरू होगा 18 से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन। बाखड़ा से मिली रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप का मामला, रेमडेसिविर गांव भयोरा पुल से फेंके जाने का शक। पुलिस की 4 टीमें जांच में जुटी, अज्ञात पर FIR। जलंधर में महामारी के बीच व्यापारियों को राहत। जलंधर में सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेगी गैर जरूरी दुकानें। कोरोना सावधानियां तोड़ी तो 7 दिन के लिए सील होगी दुकान। गृह मंत्रालय के जरिए कोर्ट ने भेजा नोटिस, IDBI बैंक से 17 करोड़ रुपए की ठगी कर न्यूजीलैंड भागे पति पत्नी। फिरोजपुर में सर्वाधिक 306 संक्रमित मिले, 7 की मौत, 8702 हुए कुल पॉजिटिव, 6957 लोग कोरोना को दे चुके हैं मात। पंजाब से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टुडे 24 न्यूज़।